एंड दिस गुड मॉर्निंग इज़ फ्रॉम ले। हालत थोड़ी सी डाउन इसलिए लग रही होगी क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई, रात भर सोए, बट स्टिल एक हो जाता है ना कि एक रात की नींद इज़ नॉट इनफ व्हेन यू आर सो मच टायर्ड। अभी फिलहाल वी आर ऑलमोस्ट रेडी, वी आर अबाउट टू लीव फॉर खरदुंगला, उसके बाद वी विल गो टू नुब्रा वैली, उसके बाद हम शाम तक कहीं जा करके आराम से पैंगोंग पहुंचेंगे। पैंगोंग में हमारा स्टे है। धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात में तो कोई दिक्कत नहीं थी ऑक्सीजन लेवल की, बट सुबह उठने के बाद थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, तो बोल कम रहा हूँ। जो भी काम कर रहा हूँ आई एम डूइंग इट वेरी स्लोली, बिकॉज जो भी नॉर्मल टास्क होते हैं ना, लाइक टाइंग योर शूज या पैकिंग योर बैग्स या कुछ भी, दीज थिंग्स यू डू झटपट इन द प्लेन्स, दे टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम हेयर इन अल्टीट्यूड रीजंस। बढ़िया, हमारा डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे अपन बैठ के अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने सफर पे। बोल धीरे धीरे रहा हूँ लेकिन एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं है, बिलीव मी। तो ओके गाइज, वी आर रेडी टू लीव। दिस वॉज आर प्रॉपर्टी जहाँ हम रुके थे। इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी, डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भैया यहाँ के प्रॉपर्टी के केयर टेकर, इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बहुत ज़्यादा, कल से एकदम लगे हुए हैं हेल्प में, सुबह से उठ के शाम में सब कुछ। और ये हमारे सुनील भाई, सुनील भाई ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक। चलो भैया, दीपक आगे निकल चुका है, अपन भी निकलते हैं। सर्दी उतनी तो नहीं है, और जो सुबह उठ के नाश्ते के टाइम पे ऑल्टीट्यूड सिकनेस टाइप लग रही थी ना चीज़, अब वो बहुत बेटर है, लाइक 80% बेटर है। हाँ, तो इट्स अ सनी डे, अच्छी खासी धूप अभी से पड़ना स्टार्ट हो गई है। द टाइम इज़ 7:40, हम लोग ऑलमोस्ट एक से डेढ़ घंटा लेट हैं। ले इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी मैन, बट मतलब सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी प्यारी होगी, बट इट इज़। अपना एक छोटा सा काम है अभी रास्ते में, जो कि है एक मेडिसिन लेना, फिर सीधा खरदुंगला टॉप की तरफ भाग जाएंगे, और भगाते हुए जाएंगे थोड़ा जल्दी में, लेट नहीं करना है, लेट हम वैसे ही हो चुके हैं। तो भैया, आवर जर्नी टू खरदुंगला हैज बिगन। दीपक जस्ट पीछे पीछे आ रहा है, दवा मिल गई थी, दवा खा ली, और एवरीथिंग इज सेट नाउ। होप कि आज ऑल्टीट्यूड सिकनेस का कुछ भी अपना प्रॉब्लम ना हो, वरना यार दिक्कत ऐसा कुछ नहीं होती, बस अंदर से ना थोड़ा अजीब लगने लगता है, और कुछ भी काम करने का ना ज़्यादा मन नहीं करता है। बट मैन, ये नज़ारा एपिक है बहुत ज़्यादा। बाकी चीज़ें देखते हैं यार आगे क्या होता है, लेट्स नॉट डिसाइड एवरीथिंग एक जगह बैठे बैठे। जैसे जैसे चीज़ें आती जाती हैं अपने सामने, वील टेक वन थिंग एट अ टाइम। नज़ारे बॉस, नज़ारे। What a view, guys! बाप रे, ये देखो 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 देखो, oh fuck man, beautiful, it's beautiful man, it's beautiful। मन कर रहा है यार रुक के फोटो खींच लो, रोड पतली है, गाड़ी साइड में रोक नहीं सकते, वरना तो भाई काम कर दिया होता मैंने अभी तक अपना। पता नहीं कैमरे कितना जस्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को अभी तो, जब देखूंगा सिस्टम पे लगा के तब पता चलेगा। ये देखो जरा सा रुकता हूँ मैं, वाओ, इसी रोड से हम नीचे से आए हैं, और ये देखो नज़ारे, माशाल्लाह नज़ारे अद्भुत। बस मेरा पता है क्या मन कर रहा है, कैमरा ऑन करके छोड़ दूं भाई, ये सब अपने आप कैप्चर होता रहे, इतना लंबा व्लॉग बन जाए कि कुछ कहने को नहीं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार ये, क्या यहाँ फ्यूल पंप है क्या यार, यहाँ पे सही है यार, बहुत अच्छे। पता नहीं होता है ना जब आपको चीज़ें, तो आप इधर उधर छटपटाते हो, भागते हो, अरे भाई मिल जाए, जो पहले मिल जाए वही सही है। यहाँ शायद कुछ परमिट पुरमिट चेक होगा, क्या होगा पता नहीं क्या होगा, उसी के पास है सारे। हाँ, यहाँ परमिट चेक हो रहे हैं, ये इनर लाइन वाले परमिट चेक हो रहे हैं ना जी, वो तो अपना जहाँ ले एंटर कर रहे थे वही लिया, तभी लिया था, वही वाला है। अच्छा, तो यहाँ एक और दूसरा लगेगा। चलो भैया, परमिट हो गया चेक, माइटी खरदुंगला आ रहे हैं हम फोटो खिंचाने। रुको यार, ग्लव्स बदल लेता हूँ, धूप आ रही है तो गर्मी लग रही है, धूप नहीं आ रही है तो थोड़ी हवा लग रही है, क्या कर सकते हैं मैन। तुम बढ़ो धीरे धीरे, मैं आ रहा हूँ। अभी ना थोड़ा फील गुड हो रहा है, मतलब सुबह जो दिक्कत हो रही थी बिल्कुल नहीं हो रही है। ये देखो साइक्लिस्ट मैन,
रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट भाई रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट ऐसे लोगों के लिए रिस्पेक्ट। अपन लोग मोटर्ड व्हीकल लेके जा रहे हैं खरदुंगला और ये भाई साहब लोग बाइसिकल लेकर के, मैन हैट्स ऑफ मैन। जोश है, जज्बा है और कुछ करने की इच्छा है, एक मन में टारगेट बनाया होता है, एक एम बनाया होता है, बस वही अचीव कर रहे हैं। वो अपने स्टाइल से अचीव कर रहे हैं, अपन अपने स्टाइल से अचीव कर रहे हैं। ब्रो रिस्पेक्ट, ब्रो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। वाह क्या नज़ारा है बॉस, वाह 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 वाह, क्या बात है बॉस, क्या बात है बॉस। यहाँ लगा के एक और फोटो लेना बनता है भाई, फोटो लेना तो बनता है। हेयर पिन है यहाँ भी, बहुत सारे हेयर पिन बैंड्स हैं, देखो मज़ा आता है यार हेयर पिन बैंड्स में ऐसे मोड़ने में। आपकी गाड़ी अगर आपका साथ दे रही है ना तगड़ा, तो ये सब मक्खन है भाई, ये सारी रोड्स मक्खन, पीस ऑफ केक। नहीं मैं बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ, डिफ़िकल्ट तो होता है, बस ये बात होती है आपकी हैंडलिंग आपकी बाइक पर कितनी अच्छी है, That's what matters. और कितना आप ज़्यादा excited हो, enthusiast हो ये सब चीज़ें करने के लिए। अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई तेरे को करना है, तो भाई आप शायद आधे मन से करो, हाफ हार्टेडली करो, तो वो मज़ा आपको नहीं आएगा और आप परेशान हो जाओ ये सब करके, क्योंकि दिस इज़ कहीं ना कहीं टॉर्चरस। I have almost covered 2000 kilometers in like fucking 4 days. Okay. तो it's not an easy task, man. मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। साउथ पुल्लू 14 किलोमीटर्स, साउथ पुल्लू क्या है आई हैव नो आइडिया, जाते हैं देखते हैं। वाह भाई ये जो रॉ फीलिंग है ना यार इन सब जगहों पे आने की, वो अपने आप में एक अलग, मतलब क्या बोलूँ यार मैं। खरदुंगला इज 28 किलोमीटर्स, आई गेस 45 मिनट्स और लगेंगे पहुँचने में। दीपक काफ़ी आगे निकल चुका है क्योंकि मैं ड्रोन उड़ाने रुक गया था, कैमरा लिया है, ड्रोन लिया है, तो भाई उड़ाऊंगा ना मैं तो रुक के भाई, वरना फ़ायदा ही क्या इन सब चीज़ों का। कितना प्यारा है ये सब कुछ, अनरियलिस्टिक लग रहा है ये सब कुछ है? बहुत बहुत ही सुंदर, अद्भुत, कौन कौन से एडजेक्टिव्स यूज़ करूँ यहाँ पे पता नहीं मुझे। जितनी हाइट पे जा रहे हैं ना थोड़ा सा अंदर सा कुछ बटरफ्लाइज हो रही हैं टमी में। ज़्यादा नाश्ता तो नहीं करके आया था, हल्का हल्का ही कुछ मैंने, तो मैं अगर आपको सच बताऊँ पता है मैंने क्या नाश्ता किया है, मैंने नाश्ता किया है चाय और उसमें 2 पीस ब्रेड डुबो के खाइए भाई बस। खरदुंगला क्रॉस करने के बाद बताते हैं कि कुछ कुछ खाने का सिस्टम है, तो बाकी भूख लगेगी तो वहाँ पर खाएँगे। हा भाई साहब तो मन करते रह जाओ यार यहीं पे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर दिक्कत भी होगी। 2 मिनट रुक के यहाँ आपको नज़ारे कुछ दिखाऊंगा मैं, थोड़ा संभाल के। हाँ नज़ारे देखें भाई साहब आप लोग, पूरी उम्र यहाँ बाइक चला सकता हूँ भाई मैं, पूरी उम्र। शिल्पी को भी यहीं ले आता हूँ, फैमिली को भी यहीं ले आता हूँ, यहीं सेटल हो जाते हैं यार। बर्फ ही बर्फ है, वो सर्दी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। सही चल रही है, सही चल रही है, वाव ऐसा लग रहा है बादलों में भाई साहब, बादल हमारे नीचे हैं। आगे वाला व्यू देखो आप लोग, बादल हमारे नीचे हैं भाई। ओहो क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, मस्त एकदम मस्त। पूरा टॉप आने वाला है, बर्फ बर्फ शुरू हो गई है अपने अगल बगल, हाथ मेरे जमने लग गए हैं, वुलन ग्लव्स पहना है उसके बावजूद। इट अपीयर्स कि सर्दी नहीं है, धूप है, लेकिन भाई बहुत सर्दी है, हाथ जम रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ बताओ हम लोग ठंड से कांप रहे हैं, उधर अपने इलाहाबाद वगैरह में लोग गर्मी से परेशान हैं। यही तो है नेचर भाई, कहीं कुछ कहीं कुछ। हमें 01 महाराष्ट्र से आए हैं स्प्लेंडर लेके, हिम्मत की बात है भाई। भाई मुझे इस जगह पे खड़े हुए 10 मिनट हो गए दीपक का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन दीपक आया नहीं। उसकी बाइक में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही है 1-2 दिन से ही,
शायद वही प्रॉब्लम फिर से हो गई। मैंने उससे बोला भी था भाई सही करा ले मैं, लेकिन उसने सुनी नहीं बात। अब बताओ इतनी हाइट पे फालतू में रुके हुए हैं, क्या करूं यार। जाऊं पीछे देखूं, 10 मिनट हो गए आया तो नहीं वो। जाता हूं पीछे घूम करके देखता हूं भाई कहां फंसा हुआ है। यार ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, उसको बाइक सही करा लेनी चाहिए थी टाइम निकाल करके। बाइक ही सही नहीं रहेगी भाई, हम आगे कहां जा पाएंगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहा था ना कल करा लो। फस की होया पाजी, जब कल कहा था समय निकाल के करा लो तो कहे नहीं कराए भाई बताओ। हैं उधर लेके फ्यूल टैंक का अपर पार्ट खोल दिया है, एयर फिल्टर यहाँ कहीं लगा होता है, लेट्स चेक कि क्या है। वाओ, तो वी आर स्टिल हियर एट समवेयर साउथ पुल्लू से ऊपर, और भाई लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी, सब आगरा वाले हैं भाई, सब पड़ोसी हैं हमारे। राइडर लियोन चैनल का नाम सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे भाई साहब, बिल्कुल करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में या इधर ऐसे लिखा हुआ लगा दूंगा। तो अगर भाई लोग ना होते तो अकेले तो आई डोंट थिंक हम दोनों के बस की ये होती करने की। अरे कोई और भी होता तो भी भाई जाना, आगरा का हमारा इतना है रुक जाते हैं, किस्मत है सब आगरा की मिले। तो बस धीरे से एयर फिल्टर वाला पैनल खुल रहा है, एयर फिल्टर निकल आएगा, थोड़ी बहुत उसकी सफाई करेंगे कि भाई सांस ले पाए ये गाड़ी। तो ये भाई लोग की बाइक्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी, सब आगरा वाले हैं। भाई का चैनल ये है भाई, राइडर लियोन देख रहे हो, पूरा किट वेट पूरी। अरे यार चश्मा ना गिरे भाई ऐसे। हाँ अच्छी जगह फंसे भाई हम लोग, वी एंजॉइंग द व्यू। बस चालू हो जाए गाड़ी भाई, एक बार एयर फिल्टर का कंडीशन प्लीज। ये देखो कैसे धूल निकल रही है, ये कंडीशन है, ये है। एक बार इधर साइड से प्लीज एक बार दिखा दो भाई, ये देखो ये पूरा चोक हुआ पड़ा हुआ है यहाँ से। तो ये तो अंदर की साइड रहता है, यहाँ से एयर सक करता है। पेट्रोल से एयर फिल्टर साफ कर रहे हैं भाई साहब। अब हो जाए तो हमारे पास चेंज क्लीनर नहीं है, हो जाए तो बढ़िया ही है। ये कपड़े का होता है, नाजुक होता है, ब्रश भी धीमे धीमे करना पड़ेगा ना। कभी भी अगर आपकी गाड़ी में एयर फिल्टर अगर कोई भी सर्विस वाला डालता है, कभी भी उस पर ऑयल मत डलवाना। ऑयल डलवाने से गंदगी चिपकेगी, गंदगी जल्दी चिपकती है, सर्विस जल्दी मांगती है, एयर फिल्टर जल्दी ब्लॉक होता है। ब्लॉक होने की वजह से कंपनी का आप फायदा कर रहे हो। सही बात है, एयर फिल्टर एज इट इज लगता है, कभी भी ऑयल मत डलवाना उसमें। कंपनी का फायदा करना है तो डलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैं डोमिनार वालों को भैया बजाज वालों को टैग करूंगा, पक्की बात है। बजाज वाले और रॉयल एनफील्ड वाले ये दोनों ही साले एक जैसे एयर फिल्टर में ऑयल डालते ही डालते हैं, ये जरूर चेक करना। और कभी भी लॉन्ग राइड पे जाओ एयर फिल्टर में मतलब सारी चीजें अपने सामने ही चेक करवाना। ठीक है मैं निकलता हूँ, तुम होटल में मिलो। ठीक है, ओह माय गॉड एनर्जी ड्रेंड आउट सी लग रही है। तो हुआ यूं कि 2 घंटा बर्बाद करने के बाद भी दीपक की गाड़ी नहीं ऑन हुई, एयर फिल्टर हटा दिया है गाड़ी का। फाइनली अब वो गाड़ी सही करा के होटल पहुंचेगा नीचे ले में ही। जब तक मेरा मूड ये है कि भाई अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, खरदुंगला बहुत दूर नहीं है, 10 मिनट में खरदुंगला पहुँच जाऊँगा मैं, तो मैं एटलीस्ट खरदुंगला मार के वापस मैं भी ले चला जाता हूँ। प्लान अपना था कि आगे जाएंगे यहाँ से पैंगोंग नुब्रा, मतलब पहले नुब्रा फिर नुब्रा से पैंगोंग, लेकिन भाई ब्रेक डाउन के कारण ऐसा हो गया, कांट हेल्प इट। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हमारी गलती है, ये गाड़ी की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। कोई नहीं, अपना पैंगोंग का नाइट का स्टे तो ख़त्म, प्लान कैंसिल। अब यही है कि खरदुंगला मार लेते हैं, वापस ले पहुंच जाते हैं। मन होता है मेरा तो यार मैं सोच रहा हूँ नुब्रा निकल जाऊँ क्या मैं ही अकेले, यार फिर वही है ना आप अकेले बिस्किट विस्किट सब रह जाएगा यार, नुब्रा तो पूरा यार क्या यार दीपक भाई। खैर छोड़ो, इस बात को आगे स्ट्रेस करने से कोई मतलब है नहीं, खरदुंगला पहुँचने वाले। अरे सफ़ेद बर्फ़ की चादर, क्या बात है।
क्या बात है। लेकिन भाई जो भी कहो, साथ के जो बंदे थे जो मिल गए हमारी हेल्प करने रुक गए, बहुत हेल्प करी भाई उन्होंने हमारी। बट हमारी किस्मत ख़राब थी कि भाई स्टार्ट नहीं हुई बाइक, एयर फिल्टर क्लीन भी किया बट इट डिडंट वर्क, तो वो भाई अपनी किस्मत बेकार थी। अब यहाँ किस बात का जाम लगा है, खरदुंगला टॉप वो है शायद, पहुँच ही गए अपन। खैर इससे अच्छा तो बाइक यहीं खड़ी कर दो, पैदल जाओ, फोटो खिंचाओ, चले जाओ। हैं फंस गए यार, बुरा फंस गए आज। देखो कुछ कुछ तो आगे बढ़ रहा है मामला, देखते हैं क्या है। पुल द थ्रॉटल मैन, बाप रे बाप, खरदुंगला कैफे। हाँ माय गॉड, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, बाइक लगा के तो फोटो हो ही ना पाएगी। तो ब्रो दिस इज खरदुंगला, मुझे लगता है कि यहाँ बाइक लगा के फोटो हो पाएगी। बस एक क्विक फोटोग्राफ करते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है। दो हजार किलोमीटर राइड करके आया हूँ मैं यहाँ पे, किस लिए? ये भीड़ का फोटो क्लिक कराने। चल भाई हो गया मेरा तो। भैया अब यहाँ से डिस्किट जाना हो तो कितनी दूर है? 80 किलोमीटर एक्यूरेट। और वहाँ से वापस ले आना हो तो यही रास्ता है? टोटल आना जाना कितना लग जाएगा? टाइमिंग लगभग 6 घंटे टोटल वन डे करने। हाँ जाके डिस्किट से फिर वापस आने का ला देंगे 6-7 घंटे। थैंक यू। 6-7 घंटे का आना है, आई डोंट थिंक हो पाएगा, बहुत प्लान ख़राब हो गया यार दीपक की वजह से। कांट हेल्प इट, वापस चलो, कुछ बोलने का भी मूड नहीं है, वापस चलो। तो दिस वॉज माइटी खरदुंगला। गाइस हम लोग अब रूम पे वापस आ गए थे खरदुंगला करने के बाद। अपडेट ये है कि दीपक की बाइक भी बन गई है, एयर फिल्टर पूरा चेंज कर दिया है, नया लग गया है। तो अब बाइक सर 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 भाग रही है, जो लैग मार रही थी अब वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अब फिलहाल कितने बज रहे हैं? लेट मी जस्ट सी, 7 बज रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं ऐसे थोड़ा ले मार्केट निकलते हैं, कुछ देखते हैं खाने को क्या है, थोड़ा बहुत कुछ ऐसी स्नैकिंग स्नूकिंग, थोड़ा टाइमली वापस आएंगे क्योंकि डिनर करके सोना है अपने को। चलो ले मार्केट चलते हैं, अभी थोड़ी रोशनी है तो मैंने कहा चलो गोप्रो ले चलते हैं, कुछ तो कैप्चर आएगा। तो वी आर सर्चिंग फॉर एक्सिस बैंक, वहां पे सुना है कि गोलगप्पे मिलते हैं। ले में आके गोलगप्पे एंजॉय करने का मूड है, गोलगप्पा हंट। देसी चाट मंगाया है गोलगप्पे, देखते हैं कैसा होता है टेस्ट। यहाँ कभी ले के गोलगप्पे को हम कंपेयर करेंगे अपने यूपी के गोलगप्पों से, मगर कंपेयर करना ठीक होगा नहीं, है ना? तो यहाँ का एक अलग टेस्ट है, प्रिपरेशन का अलग तरीका है, अपने उधर का एक अलग तरीका है, बस टेस्ट करने आए हैं एक तरीके से। आप कहाँ से हो भैया? फिरोजाबाद। अरे सब पड़ोसी मिल रहे हैं भाई आज। तो गाइज आज हम लोगों ने मस्त डिनर किया ले मार्केट में, और नाउ इट्स अ रैप अप फॉर टुडे। आज बस जो अपना प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट ठीक है चलो एटलीस्ट गाड़ी सही होगी तो इस बात की भी खुशी है। कल का जो प्लान होगा बताएंगे आप लोग को एग्जैक्टली क्या है। तो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टू एंड लव टुमारो।